तो दोस्तों सुबह के 5 बज चुके हैं और अब हम हाथ मुंह धुल रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे अभी ऊपर सनराइज देखने के लिए। ऊपर देखना वो लाइटें चमक रही है उनकी, ऊपर देखना वो कोने में। हाँ, और कुछ लोग जा चुके हैं, वो सुबह 4 बजे ही निकल गए थे इस बांझ के घने जंगल में। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा पथरा हुआ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइंग व्हील्स में। सुबह के बजे अभी 5:30 और हम जा रहे हैं यहाँ से नाग टिब्बा समिट में। और कल रात को रुके थे हम यहाँ पे, अभी तो अंधेरा और रखा है तो दिन में दिखाते हैं आपको। तो टेंट वगैरह हमने पूरा कवर कर दिया है चारों तरफ से और अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। यहाँ से हमें जाना है अभी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर, तो लेके चलते हैं आपको ऊपर और वहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा नाग टिब्बा टूर का 3रा दिन और हम सुबह 5 बजे ही रेडी होके अपने ट्रैक पे निकल चुके थे क्योंकि हमें सुबह जाना था सनराइज देखने। और अभी हम टेंट से लगभग 300 से 400 मीटर ऊपर पहुंच चुके थे और अब धीरे धीरे उजाला होने लग गया था जंगलों में, तो बहुत ही अच्छे नज़ारे आ रहे थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों 6 बज चुके हैं और हम चले थे नीचे से 5:30 के आसपास, आधा घंटा में यहाँ ऊपर चढ़ने में लग गया, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर था ये और अभी भी लगभग 1/2 किलोमीटर और बचा हुआ है। अब हल्का हल्का उजाला हो चुका है और बस हम पहुँचने वाले हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में। तो दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं नाग टिब्बा समिट में और यहाँ से मात्र 50 मीटर बचा हुआ है। ये देखिए सनराइज से पहले हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इस जंगल में ठंड भी बहुत ज़्यादा है, हवाएं भी बहुत तेज चल रही हैं और ये देखिए तीनों कमांडो आगे चल चुके हैं। ये देखिए सानू के पीछे टॉर्च। सुबह जब हम निकले थे तो वहाँ बहुत घना अंधेरा था तो वहाँ से हम टॉर्च जला के आए और यहाँ आते आते अभी उजाला हो चुका है। तो मैं अपने ग्रुप मेंबर से पूछना चाहता हूँ कि मंजिल में पहुँचने के बाद वो कैसा फील कर रहे हैं। बिल्कुल टायर्ड है, नीचे तक पूरी थकान थी पर ऊपर आते आते बिल्कुल थकान नहीं है। हाँ सर, आप कुछ कहना चाहोगे इस ट्रैक के बारे में? यहाँ पे हम लगभग नाग टिब्बा टेम्पल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे समिट है और हम सुबह 6 बजे के आसपास निकले थे। 6 नहीं 5:30 के आसपास निकले थे। हाँ। और बस पहुँचने वाले ऊपर। तो लगभग 1 घंटा 15 मिनट चलने के बाद हम पहुंच चुके समिट पे। और आशीष भैया का जज्बा मानना पड़ेगा, एक पैर ऑलमोस्ट काम नहीं कर रहा फिर भी चढ़े। तो आधे से 1 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे समिट में, जहां से कि नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे और चारों ओर के बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे यहां से देखने को मिल रहे थे।
और सनराइज यहाँ का बहुत ही अल्टीमेट था। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाग तिब्बत ट्रैक कितना फेमस क्यों है। नाग तिब्बत ट्रैकिंग करते समय ट्रैक के एक तरफ पहाड़ों की ऊंची चोटियों के साथ साथ आसपास के सुंदर नज़ारे, गहरी खाइयां देखते हुए ट्रैक करने का एक अलग ही अंदाज है। नाग तिब्बत से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के नज़ारे मन को मोह लेने वाले होते हैं। नाग तिब्बत से हिमालय की बंदरपुर श्रृंखला का आकर्षक दृश्य दिखाई देता है। यह ट्रैक मुख्य रूप से पहाड़ों पर कैंपिंग करने वालों और यहां कुकिंग करने वालों की सबसे पहली पसंद है। मंदिर से ऊपर आने के बाद समिट का नजारा कुछ इस प्रकार का था। समिट में एक पीले कलर का झंडा लगा हुआ था और उसके साथ एक त्रिशूल लगी हुई थी। नाग तिब्बत ट्रैक पूरे भारत में एक प्रसिद्ध ट्रैक है, जिसको करने के लिए हर साल ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे ट्रैकर आते हैं, और ये जगह सच में दिल को खुश करने वाली थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं टिहरी गढ़वाल की पंतवाड़ी गांव में, जहाँ से नाग तिब्बत का ट्रैक स्टार्ट होता है। अगर आपको पंतवाड़ी आते आते रात हो जाती है तो आप रात को पंतवाड़ी में रुक सकते हैं, और अगर आप मॉर्निंग में वहाँ पहुँचते हैं तो आप 8 बजे से वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पंतवाड़ी से गोल्ड विलेज बेस कैंप की दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर है, जो कि आप आसानी से आ सकते हैं, और सबमिट में लगभग 1 घंटा रुकने के बाद अब हम जा रहे थे वापस, और हमारे साथ वाले निकल गए थे आगे क्योंकि उन्हें पानी लेके आना था और उसके बाद वहाँ मैगी बनानी थी, और मैं चल रहा था आशीष जी के साथ क्योंकि उनके पैर में लगी हुई थी चोट, तो वो बहुत धीरे चल रहे थे। अगर आप यहाँ दिसंबर जनवरी में आते हैं तो इन जंगलों में पूरा बर्फ पड़ा रहता है और बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाती है। देखो सर, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये वो जगह थी जहाँ हमने पहले दिन कैंप किया था, और अब हम जाने वाले थे नीचे। तो दोस्तों, समिट से आने के बाद अब हम बना रहे हैं यहाँ पे मैगी, और उसके बाद यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे नीचे। कल रात को लगाया था हमने टेंट यहाँ पे, बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। ओ, उड़ गया भाई, वो टेंट के ऊपर का उड़ गया। ये देखिए, अभी हम यहाँ से टेंट उखाड़ रहे हैं, उसके बाद आज का टेंट लगेगा हमारा नीचे बेस कैंप के सामने। ये देखिए, बहुत ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है सुबह का यहाँ का, और इस साइड यहाँ से ठीक आगे की तरफ यहाँ है मंदिर, अभी हम आपको मंदिर की तरफ लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरी पैकिंग कर चुके हैं हम, और अब निकलेंगे हम यहाँ से नीचे। उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं मंदिर की तरफ, जहाँ कि हम कल जा नहीं पाए, कल रात हो गई थी ज़्यादा। और जो भी हमारा प्लास्टिक वेस्टेज था उसको आशीष यहाँ पे जला रहे हैं, और उसके बाद अब हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में मंदिर की तरफ। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और अब यहां से मंदिर की दूरी मात्र 100 मीटर है। नाग तिब्बत का ट्रैक बहुत ही ज्यादा सेफ है, यहाँ पे लोग रात को 2-2 बजे तक चलते रहते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो दोस्तों, ये जो ऊपर घर दिखाई दे रहा है, ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कैंटीन, और कैंटीन के आगे से वहाँ से ये रास्ता जा रहा है सीधे मंदिर पे, जहाँ की अभी हम आपको लेके जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं मंदिर के सामने, और मंदिर के ठीक नीचे ये छोटी सी नदी है,
ये देखिए इस टाइम पे भी मतलब बहुत ही ठंडा मौसम हो रखा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आधे लोग अभी ऊपर ट्रैकिंग पे गए हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ नाग टिब्बा का अर्थ। नाग का अर्थ होता है नाग देवता और टिब्बा का अर्थ होता है ऊंचे शिखरों को, स्थानीय भाषा में टिब्बा कहा जाता है। इस मंदिर में अधिकतर ग्रामीण लोग अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाग देवता के मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे थे वापस, और आज का कैंप हम करने वाले थे अठवाड़ गांव में, जो कि बेस कैंप में ही आता है। सो गाइस, हम निकल चुके हैं नीचे वापस जाने के लिए और अब हम रुकेंगे बेस कैंप में। और दोस्तों, 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हमने यहाँ पे लिया रेस्ट और यहाँ पे खाए हमने संतरे। नाग मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर नीचे आने के बाद हमें वहाँ मिले विकास भाई, जो कि बहुत ही हेल्पफुल बंदे थे। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, उन्होंने अपने खेत से हमें सब्जियाँ दी जो कि हमने रात को अपनी कैंपिंग में बनाई। ये क्या चीज़ है? मसूर? मसूर मसूर। अच्छा, ये चला ही है। अच्छा, तो दोस्तों अपना लास्ट कैंप हमने लगाया था अठवाड़ में, जहाँ पे किन भैया के द्वारा हमारी बहुत सारी मदद की गई। कितनी सी गोभी है? बहुत गोभी, बहुत ही आम गोभी। अच्छा 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 तो जो कल आएंगे उनके लिए खाना वगैरह आप ही बनाते हो? कल? हाँ, मैं वो कंपनी का कुक हूँ। अच्छा 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 लड़के थे ना वो? हाँ हाँ, पार बैठे थे वो। हाँ, ना तो इनसे आज गली। अच्छा, और ना इनको टेंट लगाना है। अच्छा, मैं जा रहा था इन भाइयों को। अच्छा, मैंने कहा अगर कुछ भी परेशानी होगी फोन लगा देना मेरे को। अच्छा अच्छा, अब बारिश थी ना, टेंट लगा पाया और ना आग जला पाई। फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया, बोला भाई ना तो टेंट लग रहा और ना आग जल रहा। फिर मैं उधर गया, हम नहीं रहते बोले। हाँ, हम बोले वहीं आते बहुत होंगे यार इतने। अरे पहचान लिया उसने आपको इतने टाइम बाद? तो दोस्तों, जहाँ पे हमने अपने लास्ट कैंप लगाया वहाँ से सनसेट का ये बहुत ही प्यारा सा नजारा था। इधर से पूरा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा था, बहुत ही अच्छे नजारे यहाँ से आ रहे थे। और लास्ट कैंप में हमारे फ़ोन और पावर बैंक सारे डेड हो चुके थे और हमारे पास लाइटिंग भी नहीं थी, तो हमने हमारे पास सिर्फ एक लाइट बची हुई थी, तो उसी के सहारे हमने अपना खाना बनाया। और उसके बाद जब हम पंतवाड़ी मार्केट में गए, तो सबसे पहले हमने अपने फ़ोन चार्ज लगाए और फ़ोन चार्ज लगाने के बाद इधर उधर कॉल की, जो जो हमें कॉल कर रहे थे उनसे बातें की। तो दोस्तों, नाग टिब्बा से ट्रैकिंग करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं नीचे पंतवाड़ी मार्केट में, तो काफ़ी दूर। तो दोस्तों, ये था पंतवाड़ी मार्केट और यहीं से होती है नाग टिब्बा ट्रैकिंग की शुरुआत। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड। और ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।